हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है कि अगर आपका एसजीपीटी या एसजीओटी ज़्यादा है तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या लक्षण आपके शरीर के अंदर आएंगे। जिन दोस्तों को नहीं पता एसजीओटी और एसजीपीटी क्या होता है, तो हमारे लीवर के एंजाइम्स होते हैं जो कि दर्शाते हैं कि आपका लीवर किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो बड़े मिलते हैं, 50 से या 55 से ज़्यादा मिलते हैं, तो आपके लीवर के अंदर थोड़ी बहुत समस्या है। अगर बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं तो आपके लीवर के अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बड़ी प्रॉब्लम में या बहुत ज़्यादा एसजीपीटी में अपने नज़दीकी गैस्ट्रो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, जिससे कि आपकी टोटल डायग्नोस हो सके और कॉज पता लग सके कि आपका एसजीपीटी क्यों बढ़ा हुआ है। बात करेंगे कुछ साइन और सिम्टम्स की कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और आपको क्या महसूस होंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वीकनेस, कि आपको कमजोरी ज़्यादा आने लगी है। अब कमजोरी का लेवल पता लगता है हमारी एसजीपीटी का लेवल कितना है उससे पता लगेगा, या साथ में आपके क्या बीमारी हुई है उससे पता लगेगा। क्योंकि सपोज कीजिए किसी पेशेंट के लीवर के अंदर कोई समस्या हुई है, उसका बिलिरुबिन बढ़ा है, 3 हुआ है या 4 हुआ है, और साथ में उसका एसजीपीटी भी बढ़ा है कि जी 300 हुआ है या 400 हुआ है। तो कई बार पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आरबीसी उसकी ज़्यादा टूट रही है और उसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी डाउन हो सकता है। तो जहाँ पे पेशेंट का हीमोग्लोबिन डाउन है, शरीर के अंदर खून की कमी होने लगी है, कि उसका हीमोग्लोबिन 7 है या 8 है या 9 है, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, उसको कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करेगा थक जाएगा, थोड़ा चलेगा थक जाएगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा वजन उठाएगा तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, अंधेरे वाले चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मिलता है वीकनेस। और सिम्टम्स साथ में आते हैं कि पेशेंट की भूख कम हो सकती है। कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है कि उनका लीवर कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उनकी जो भूख है वो थोड़ी बढ़ी है या फिर थोड़ी कम हुई है। ये दोनों सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3 आता है दोस्तों इसी में, नोजिया। नोजिया का मतलब होता है कि पेशेंट को कुछ भी खाने पीने से उसका जी कच्चा होता है, वॉमिटिंग वाली सेंसेशन उसको बनी रहती है। अगर वो सिंपल खाना खाता है तब भी उसको लगता है कि उसका जी कच्चा हो रहा है और उसको उल्टी वाली सेंसेशन बनी रहती है। इस कंडीशन को नोजिएट सेंसेशन बोला जाता है। उसको हमेशा लीवर के अंदर भारीपन भी महसूस होता है। हमारा जो लीवर वाला रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वहाँ पे उसको भारीपन लगता है। खास करके अगर वो 1 या 2 रोटी खा ले उसके बाद भी पेशेंट को भारीपन उसके पेट में बना रहता है। इसके साथ देखने को मिलता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि खाना ठीक से नहीं पच रहा है। खाना ठीक से नहीं पच रहा है इसका मतलब ये है कि आपने अगर 2 रोटी सिंपल दाल रोटी से भी खाई है तो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, लगता है बहुत ज़्यादा भारी वजन हो गया, पेट ब्लॉट हो गया, प्लेट में ब्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है, पेट में बहुत ज़्यादा अफारे आने लगे हैं, पेट फूल गया है, तो ये कारण भी हो सकता है। साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, पेट में क्रैम्पिंग पेंस भी पेशेंट को हो सकते हैं। आती है बात कि अब आपको, ये थे थोड़े हल्के सिम्टम्स के पेशेंट को एसजीपीटी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें ये है। बाकी जो एसजीपीटी ज़्यादा बढ़ता है तो डिजीज़ के साथ साथ और सिम्टम्स आते हैं। कोई पेशेंट है जिसको फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है तो उसके सिम्टम्स थोड़े बढ़े मिलेंगे। कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन स्टार्ट हुई है या बीच में चल रही है, तो उसको और ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सूजन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि आंखों के नीचे सूजन आ गई है, पेट में सूजन आ गई है या पैरों में सूजन आ गई है, कई बार वॉमिटिंग होने लगी है, ब्लैक कलर की या रेड कलर की वॉमिटिंग होने लगी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उसके सिस्टम में कौन सी इलनेस है। कुछ साइन देखने को मिलते हैं, पेशेंट को येलोइश कलर देखने को मिल सकता है। येलोइश कलर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल बिलिरुबिन कितना है, डायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना है। उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि पेशेंट को खुजली की प्रॉब्लम भी हो सकती है, रैशेस भी हो सकते हैं, ड्राई स्किन भी हो सकती है कि स्किन पे रूखा रूखापन आने लगा है। स्वेलिंग के सिम्टम्स मैंने आपको बता दें कि सूजन देखने को पेशेंट को आंखों के नीचे खास करके अंडर आइज देखने को मिलती है और वो भी सुबह में देखने को ज़्यादा मिलती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज़्यादा चलने पे भी सूजन आती है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बीपी उनका हाई रहता है और साथ में सूजन भी आ जाती है। तो लीवर के साथ साथ ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे एसजीपीटी या एसजीओटी बढ़ा मिलता है, साथ साथ में बिलिरुबिन की मात्रा भी बढ़ी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, हैंडल करने के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। आपका एसजीपीटी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, कम ही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं परहेज करके, कुछ दवाइयाँ करके या फिर आप कोई टॉनिक पी के। और वो कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन से टॉनिक है, उसके वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। होम रेमेडीज़ के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।